व्हाट्स इन माय कैमरा बैग, ये मैंने सोचा था ये वीडियो का टाइटल दूंगा, लेकिन अचानक से मुझे ध्यान आया कि मेरा कोई कैमरा बैग है ही नहीं। जब मैं नेपाल गया था तब ये मेरा कैमरा बैग था, जब मैं लद्दाख गया ये यूज़ किया मैंने, और अभी जो मैं कोलकाता से मेरा घर आया हूँ इसके अंदर सारे कैमरा घुसा के लेके आया मैं। तो मुझे पता नहीं ये वीडियो का टाइटल क्या रखूँगा मैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप, ये सवाल के बाद कौन सा कैमरा आप यूज़ करते हो, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है, तो इसके ऊपर आज बात करते हैं। ये वीडियो का एंड में आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या क्या कैमरा गियर्स है, और एंड में आपको ये भी पता चल जाएगा आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो या फिर कैमरा खरीदना चाहते हो ब्लॉगिंग के लिए तो आपको कौन सा क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये DSLR Canon 1200D जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। ये उस टाइम ख़रीदा था जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ब्लॉगिंग करूँगा। अगर उस टाइम मुझे पता होता कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा तब शायद ये DSLR नहीं खरीदता मैं, शायद नहीं, मैं श्योर हूँ कि ये खरीदता ही नहीं मैं। और ये लद्दाख लेके नहीं गया, दूसरा और एक DSLR लेके गया था, उसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले इसका काम ख़त्म करते हैं। अभी जो लेंस से शूट कर रहा हूँ मैं ये है 1855 और ये जूम लेंस 55-250। ये कैमरा के साथ ही आ गया था, अलग से मैंने ख़रीदा नहीं। तो व्लॉगिंग कैमरा या फिर लेंस के लिए मेरा कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहला, वाइड एंगल होना चाहिए। दूसरा, ऑटो फोकस रहना चाहिए। तीसरा, लाइट वेट होना चाहिए। चौथा, एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाने का जगह होना चाहिए। फिफ्थ, LCD स्क्रीन फ्लिप कर सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में बताऊंगा मैं। और आप अगर स्लो मोशन वीडियो शूट करते हो या फिर करना चाहते हो तो एटलीस्ट 120 FPS तो होना चाहिए, या फिर 240 होने से तो बेहतर है। मेरा ये जो कैमरा है इसमें ऑटो फोकस नहीं होता और LCD स्क्रीन भी फिक्स्ड है, फ्लिप नहीं कर सकते। तो दिक्कत ये होता है कि मैं जब मुझे शूट करता हूँ खुद को तब मुझे पता नहीं चलता कि फोकस सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। लद्दाख का फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट शॉट देखना, ब्लर आया है, मैं ये कैमरे से शूट किया था। मैं ग्रुप राइड से ज़्यादा सोलो राइड प्रीफर करता हूँ और मेरा ड्रीम ये है, तो हमेशा ये चेक करना मुश्किल है और कभी कभी DSLR का स्क्रीन में देख के पता नहीं चलता, वो कंप्यूटर में इंपोर्ट करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद पता चलता है। तो ये जो DSLR है ये मैंने ख़रीदा था 28,000 रुपये से। तो अभी ये मिलता है कि नहीं मिलता मुझे पता नहीं, और मिलने से भी ब्लॉगिंग के लिए ये आप मत खरीदना। अगला, तो अभी बात करते हैं एक्शन कैमरा की। इससे आप वाइड एंगल शूट कर सकते हो, 4K तक शूट कर सकते हो, और किसी किसी रिजोल्यूशन पे 120-240 FPS तक कर सकते हो। स्टेबिलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, एटलीस्ट DSLR से तो अच्छा है। लाइट वेट है, DSLR में आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, एक्शन कैमरा से आप वो कर नहीं सकते। जब मैं GoPro में शूट करता हूँ तब मेरा टेंशन नहीं रहता कि फोकस हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये वाइड एंगल है तो मुझे पता है कि मैं हमेशा फ्रेम के अंदर ही रहूँगा। तो ये एक फ़ायदा भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। ये जो ब्लर इफेक्ट है, मैं फोकस में हूँ और पीछे बैकग्राउंड ब्लर है, ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये सिर्फ DSLR में मिलता है, ये GoPro में नहीं मिलता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं DSLR से ही शूट करूँ। मेरे पास 2 GoPro है और दोनों ही Hero 5 है। एक ऑनलाइन ख़रीदा था फास्ट हैंड और दूसरा सेकेंड हैंड। GoPro का मेरा एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है, इसका एक है, इसका एक है। तो बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा था पहले कि मैं एक ही GoPro लेके उसके साथ अगर 3-4 बैटरी लेके चला जाता वो ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन मेरे हिसाब से वो रिस्की है, क्योंकि मेरा जितना सारा वीडियोज़ है वो 70% से ज़्यादा मैंने GoPro से शूट किया है। तो एक ही GoPro होगा मेरे पास और वो ही अगर ख़राब हो जाएगा तो एक्स्ट्रा बैटरी लेके मैं क्या करूँगा। इसलिए मैंने सोचा मेरे पास 2 होना चाहिए, एक अगर ख़राब हो जाता है तो एक से काम चल जाएगा मेरा। अभी GoPro अगर ख़राब हो गया तो मैं DSLR गले में बांध के मोटो व्लॉगिंग नहीं कर सकता, उसके लिए ये चाहिए। मैंने जो फर्स्ट हैंड GoPro ख़रीदा था ऑनलाइन उसका दाम है 26,000, और जो सेकेंड हैंड ख़रीदा वो 10,000 लेके ख़रीदा। ड्रोन, मेरा जो ड्रोन है ये है DJI Spark, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आई बटन पर ऐड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। किसी ने ये सवाल पूछा था मुझे कि लद्दाख में जो ड्रोन शॉट डाला मैंने इतना कंजूस होके क्यों डाला, मतलब इतना कम ड्रोन शॉट क्यों लिया। तो बात ये है कि 2 बैटरी है मेरे पास, और तीसरा या चौथा दिन मेरा 1 बैटरी ख़राब हो गया, तो बाकी दिन एक ही बैटरी से काम चलाना था, और पूरा दिन मैं दिन के बीच में चार्ज नहीं कर सकता, और इसका जो बैटरी बैकअप है वो 10 से 12 मिनट देता है, तो 10 से 12 मिनट में पूरा दिन का शॉट वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैंने ख़रीदा था 44,000 देके, उस टाइम थोड़ा बहुत महंगा था। आज का जो वीडियो है ना, आपका सवालों का जवाब से भरा हुआ है,
तो किसी ने मुझे ये पूछा था कि मैं कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास तीन टाइप के माइक्रोफोन हैं। एक है ये जो GoPro के लिए यूज़ करता हूँ मैं, तो लास्ट टू लास्ट वीडियो जो है वो पूरा मैंने ये माइक्रोफोन से शूट किया और पूरा वीडियो GoPro से शूट किया हुआ है। ये बोया BYMM1 है और अभी जो मैं कॉलर माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ ये भी बोया का है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा आता है। लद्दाख में जब यूज़ किया था वो इस टाइप का माइक्रोफोन था, लेकिन वो बोया का नहीं था, वो कौन सा ब्रांड का था मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, वो ज़्यादा बेहतर था मेरे हिसाब से। और एक माइक्रोफोन है ये जो देखो माइक्रोफोन अंदर है, बहुत लोगों ने पूछा ये कितना प्राइस कितना है क्योंकि साउंड बहुत ही अच्छा आता है, तो ये सस्ता वाला माइक्रोफोन है, इसका दाम है 180 रुपीज़। तो इस टाइप के माइक्रोफोन मेरे पास दो या तीन है, क्योंकि मैंने सोचा कि सस्ता है तो ख़राब हो जाएगा तो इसलिए एक्स्ट्रा रखा, लेकिन अभी तक एक भी ख़राब नहीं हुआ और काम भी अच्छा कर रहा है भाई। तो ये सब माइक्रोफोन्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको अगर देखना है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो अभी बात करते हैं DSLR स्टैंड, GoPro स्टैंड, गोरिल्ला पॉड्स की। ये मेरा फेवरेट GoPro स्टिक है, ये बहुत लंबा हो जाता है खींचने से सेल्फी स्टिक की तरह, और इससे बहुत सारा शॉट्स लिया है मैंने। 2200 रुपये में ख़रीदा था, एक्चुअली कॉम्बो पैक था, GoPro का माउंट्स था उसके साथ साथ ये फ्री था मतलब। और दूसरा जो है ये भी GoPro के लिए, इस पर GoPro एडाप्टर केसिंग और ये भी है, माइक्रोफोन भी माउंट कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा, ये मैंने 1200 रुपये से ख़रीदा था। तीसरा ये गोरिल्ला पॉड DSLR, इसमें बिठा के शूट करता हूँ मैं, बहुत सारे वीडियोज़ में ऐसे शूट किया और काफ़ी लाइट वेट है ये, इसका दाम है 300 रुपये। चौथा ये DSLR स्टैंड जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से ही ख़रीदा कुछ दिन पहले, इसका दाम है 2200 रुपये। अब बात करते हैं कैनन 200D जिसको लेके मैं लद्दाख गया था, वो मेरा कैमरा नहीं था, वो उज्जल का था, और मैंने मेरा ये जो कैमरा ये मैं लेके नहीं गया क्योंकि उसमें ऑटो फोकस है, एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो और स्क्रीन को फ्लिप कर सकते हो, तो इसका वजह से मैं वो चूज़ किया, और उसका क्वालिटी इससे काफ़ी अच्छा है और दाम है 36,000 और इसका दाम 28,000। ये DSLR अभी मेरे पास नहीं है, मैंने उज्जल को बोला है ये कुछ क्लिप्स भेजने के लिए उसका DSLR का, तो उसने भेजा है ये सब मुझे। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको कुछ एक बताना चाहता हूँ मैं, हमारे काउंटिंग माइस फैमिली के मेंबर ने एक पेंटिंग बनाया है मेरा, वो भी MS पेंट में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, उसने काफ़ी अच्छा बनाया है और बहुत ही मेहनत करके बनाया है। नॉर्मली जो डिजिटल पेंटिंग करते हैं, कंप्यूटर में जो पेंटिंग करते हैं, वो एक अलग से कोई एक पैड होता है जिसमें पेंटिंग करते हैं, उसका नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, तो इसने माउस से पेंट किया है और MS पेंट में पेंट किया है, जो मुझे सबसे अलग और अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप जाना, जाके देखना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, पता चल गया होगा कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।